order was passed by them or not? Yes, sir. After ye providing opportunity of hearing to you. Sir, page 12 पर इसका complete answers खुद election commission दे. पहले ये बता दीजिए, उन्होंने writing में दिया आपको? बिल्कुल किया. अच्छा, बिल्कुल किया. अब page 12 पर मुलाहिज़ा कीजिए election commission उसको कैसे कर रही है. So what did you file? I filed the my application concerning or the original petition पर देख लीजिएगा page 20 पे. No, no, this is your application. The order है ना, what is your complaint? This is the order of the Provincial Election Commission Punjab. जी सर. आपको कहाँ पेश होना था? Page 23 सर देख ले. Original election commissioner के सामने पेश होना था? पेश हुए. या पंजाब में पेश होना था? पेश हुए. नहीं, election commission के पास पे, उन्होंने dissipate किया आगे नीचे सारों को. अब जरा page 20 पर देख लीजिएगा original petition की, जो constitution petition 47 है, ये मैंने application जाके वहाँ दी with the prayer. Page 23 of Constitution Petition 47. Page 23. Page 23 पर जो चीजें मांगी, सारी petition तो लंबी है, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ जो मैंने उनसे request की prayer में. Page 23 की prayer. ये मैंने Chief Election Commission. In the light of foregoing, it is prayed that the ECP pass appropriate orders to ensure the candidates of the applicant PTI, including those presently in detention or who may be detained in future, or those who have been declared proclaimed offenders / absconders, are allowed to file their nomination papers for the general elections and attend to the scrutiny process, including the appeals against their candidature. Because sir, I want to ask a question to you, because yes, this is a contempt proceeding, this is nothing new petition. Sir, the original petition was disposed of by this court on 22nd December 2023. Exactly. And para 4 contains the direction that you appear, yes, before the election commission and they will try to resolve your all complaints. Yes. But in this contempt petition, if you will see the title of the petition, you have made so many contemners in this, besides election commission, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज बहुत सारे कंटेमनर बने हुए हैं, आईजी के पंजाब के बने हुए हैं, तो ये कंटेम्प प्रोसीडिंग्स जो कंटेम्प की है इलेक्शन कमीशन ने, वो थोड़ा सा बताइए ना, उनका कंटेम्पचर सेट क्या है अगेंस्ट विच यू हैव कम हियर? तो उन्होंने जो एनफोर्स करवाना, दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग टू यू के वेदर दे हैव पास्ड एनी ऑर्डर और नॉट ऑन, आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू यू, वेदर एनी ऑर्डर वाज पास्ड, एनी डायरेक्शंस वाज गिवन टू द प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशंस. हमें कुछ नहीं दिया जी. हाँ, ये हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जो पेज 12 में पढ़ रहा था, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो यानी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स उसको किस तरह से डील कर रहे हैं हमारे जो कंप्लेंट्स आई. तो वो कंटेम, इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मेन पार्टी जो आपके पास है कंटेम में है. मैं उसे प्रोविंशियल देख तो लीजिए ना. आफताब अकबर दुरानी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कंटेमनर नंबर 1, उमर हामिद खान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंटेमनर नंबर 2, नदीम अहमद चौधरी चीफ सेक्रेटरी केपीके कंटेमनर नंबर 3, जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी, मोहम्मद फखरे आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कराची सिंध, शकील खादिर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब, डॉक्टर खालिक शाह आईजी बलूचिस्तान, अख्तर हयात आईजी पुलिस केपीके, रिफत मुख्तार आईजी पुलिस सिंध. जस्ट टू माय कंजम्पशन, बिकॉज द कंटेम प्रोसीडिंग इज बिफोर अस, द कंटेमनर द पर्सन हु हैज वायलेटेड द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, सो वी हैव टू फर्स्ट सी हु हैज वायलेटेड द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट. सर, ये आपने इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ 3 में लिखा कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन. पैरा 3 में तो देखे ना, आर्टिकल 218 है, आपने उस पे लोग किया. Or, this is their responsibility to conduct the fair and transparent election. Exactly. And all authorities are in para 4. मुझे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा केस. What do you want from us? सर, अगर आप चाहते हैं मैं आपको सीडी प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में. अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें. दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. मैं इसीलिए, एवरीबॉडी कम्स एंड मेक्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर. प्लीज टेल अस, यू मूव्ड अ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. द ऑर्डर हैड डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू डू समथिंग. यस.
Now you have moved a contempt application against IG and chief secretaries who have got nothing to do with the election commission. Election commission is a separate constitutional body. I hope I don't have to tell this to such senior counsel. You've not arrayed even the election commission of Pakistan as a respondent or the individuals. Contempt is committed by individuals. What has the IG police got to do with it? What has got a chief secretary got to do with it? The matter of election pertains to election commission of Pakistan. Yes. And Election Commission of Pakistan is in charge of fair and free elections. What the Chief Election Commissioner has done or the Election Commission has done, they passed on your lordship's order to all concerned. Now, when I have moved applications and complaints where my proposers, seconders, candidates, their agents were obstructed and they were incarcerated and they were not allowed to cast their nomination papers before the returning officers and or on the scrutiny day, the way they were roughed up and they were not allowed, the way the applications have been rejected. And where is the proof of any of this? I have given all that. And where is it? Jesus, just words that you are uttering from the rostrum. Show us some proof. Yes, the CD is here and CD is there. Maine CMA jo one move kiya, maine usme saron ke naam diye hain jinko ne reject kiya. जो इन्होंने I don't know why we are doing this. Yes, why we are can doing we, this? Can you please hear us and just hear the question and answer the question? Yes, sir. You have invoked the jurisdiction of this court under Article 204 of the Constitution, yes, which is contempt of an order of this court. Yes.